बता दें कि वजीर दाखिला अमित शाह को असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद के बगैर हिंदुस्तान अधूरा है, हम तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जंग आजादी में आरएसएस और बीजेपी नहीं थी। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर दाखिला अमित शाह को जवाब दिया और कहा कि हैदराबाद के बगैर हिंदुस्तान अधूरा है। ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद के बगैर हिंदुस्तान अधूरा है, हम तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जंग आजादी में आरएसएस और बीजेपी नहीं थी। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको वजीर दाखला के एक बयान पर। यह पलटवार किया है असदुद्दीन ओवैसी ने और कहा कि हैदराबाद के बगैर मुल्क अधूरा है, भारत अधूरा है हैदराबाद के बगैर। उन्होंने कहा हम तब भी थे, हम आज भी हैं। उन्होंने भी कहा कि जंग आजादी में बीजेपी और आरएसएस नहीं थी। याद रखो, हैदराबाद के बगैर भारत अधूरा है और हैदराबाद भारत के बगैर अधूरा है। ये चीज समझने की जरूरत है। अब हमको, हम कब मुखालिफ थे? नहीं, जब 17 सितंबर ने मंजलिस बोलती नहीं मनाना, हम नहीं मनाना। अरे तुम थे कहां बाबा, तुम तो चूहे की बिल में छुपे हुए थे, सांप की बिल में छुपे हुए थे। हम जब भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। सन 57 की जंग आजादी में आरएसएस नहीं थी, बीजेपी नहीं थी। 47 में मुल्क आजाद हुआ, कुछ भी नहीं। 48 में पुलिस एक्शन हुआ, कुछ भी नहीं। मगर अभी नु बांकड़े पे लाना के नहीं, मैं वफादार, मैं वफादार। देख लिए एक झलक आज की? आप लोग थके थके, मजा आया? सुन लो, अच्छा एक सवाल का जवाब दो, क्या आप तमाम लोग खुश नहीं है कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बना? आइए जोर से बोलो, भैरे हैं हम लोग, और जोर से। हैदराबाद को मुक्ति दिलाने के वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने निजाम की सेना और रजाकारों को पुलिस एक्शन से परास्त करकर इस समग्र प्रदेश को आजादी की सांस लेने का अधिकार दिया था। ऑपरेशन पोलो का निर्णय महान सरदार पटेल ने, लोह पुरुष सरदार पटेल ने ढेर सारी कठिनाइयों के बावजूद लिया था, क्योंकि वो जानते थे जब तक निजाम के रजाकारों को परास्त नहीं करते, हैदराबाद स्टेट को आजाद नहीं करते, अखंड भारत का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। आज भी जिन लोगों को 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिन बोलने में शर्म आती है, उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, ये हजारों लोग जो शहीद हुए हैं, जिसके आधार पर आज आप सत्ता पर बैठे हो, अगर उनको श्रद्धांजलि नहीं देते तो उनके साथ आप द्रोह कर रहे हैं।